हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल के, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है पीडीएफ एक साथ देख सकते हैं। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे थोड़ा सा फेवर मांगना चाहेंगे। फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी पेपर का एनालिसिस दूंगा, चाहे वीडियो हो आरपीएफ का, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, और या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, मैं आपको सभी वीडियो का एनालिसिस और आपको स्टडी मटेरियल्स डेली यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ में फ्रेंड, करंट अफेयर्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर क्वाइज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स और क्वाइज जो यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इसमें कुछ आपको करना नहीं था। भारत की प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा था, जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को आप भारत के शपथ दिलाते हैं। तो इस समय जो है राष्ट्रपति कौन है सर, आपको पता होना चाहिए, रामनाथ कोविंद जो है इस समय के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवी अनुसूची के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड, पांचवी अनुसूची के बारे में कुछ क्वेश्चन था, वो हमें सर पता नहीं है। यदि आपको पता हो तो आप हमें नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे जो है वो सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। हम आपको इस वीडियो में अपने नाम के साथ आप क्वेश्चन सेंड करेंगे, तो आपका नाम भी इस वीडियो में अगली वीडियो में लेंगे। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि रात को 10 बजे आपको जो है वो तीनों शिफ्टों का पहली प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारे प्रश्न जो है वो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका केरल की राजधानी कौन सी होती है? तो केरल की राजधानी का नाम पूछा था आपको, तो तिरुवनंतपुरम होती है, ये तो सबको पता होगा, तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड आपका कि चक्रवर्ती व्यास से दो प्रश्न पूछे गए थे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो वो क्वेश्चन हमारे पास अभी नहीं है, तो आप यदि क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि किसके कितने प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके दो प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था फ्रेंड आज का, जीवों का वर्गीकरण किसका अध्ययन कहलाता है? तो देखिए, जीवों का वर्गीकरण जो है वो कहलाता है आपका टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है वो जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट था आपका जो है मेंसुरेशन के तीन क्वेश्चन थे आपका, बेलन शंकु पर आधारित थे क्वेश्चन, बेलन शंकु और व्रत पर। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को आप करके जाएगा तो यहाँ पे मेंसुरेशन से आपका जो है वो दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, बक प्रेस, आयतन, क्षेत्रफल और आपका इस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड ऐसे था कि एक बर्तन है, उसकी माप दे रखी थी, इतने बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, और उसकी माप दे रखी थी कि इतने लीटर का है, इसकी ऊंचाई है हाइट इतनी है और उसकी त्रिज्या इतनी है। ठीक है, तो इसका जो है कितने लीटर इसमें दूध या लिक्विड आ सकता है, ये पूछा गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये भी एक मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका कथन और निष्कर्ष पर दो प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, कंक्लूजन और स्टेटमेंट पर दो प्रश्न थे आपके, रीजनिंग से रिलेटिव चैप्टर है आपका ये जो है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रीजनिंग से रिलेटिव आपको यहाँ से जो है वो दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज के फाइव क्वेश्चन है परसेंटेज का फ्रेंड, एक फाइव क्वेश्चन पूछे गए थे आज, पांच क्वेश्चन थे परसेंटेज से रिलेटिव, और पांच क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास सभी क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये है फ्रेंड आपका कि एक व्यक्ति के पास यदि 25 चॉकलेटें हैं और इसमें से यदि इन्होंने 15 खा ली तो कितने प्रतिशत उसके पास चॉकलेट बची? तो देखिए, 15 चॉकलेट खाने के बाद तो बची कितनी उसके पास, 10 चॉकलेट बची थी। कितनी आपके पास चॉकलेट, 25 चॉकलेट थी। आप इसमें निकाल दीजिएगा, 25 चौका 100 हो गए, यानी कि उसके पास फ्रेंड अब जो है वो 40% जो चॉकलेट जो है वो बची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी थी, मैथ तो बिल्कुल सिंपल था। जितने भी लड़कों से हमने बात किया, इतने बच्चों से हमने बात किया, तो सभी ने कहा वो सर मैथ तो बिल्कुल जो है वो सिंपल लेवल का था, थोड़ा जीएस मॉडर्न लेवल का था, थोड़ा साइंस भी जो है उसके क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। आपका रिलेशन से संबंधित था फ्रेंड आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रीजनिंग में रिलेशन है कि ये उसकी पी उसकी माता है, क्यू की और क्यू आर मामा है उसका, इस प्रकार से क्वेश्चन था करके था। तो बहुत सिंपल सा था, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे आपका, एक पजल पूछा गया था, चार क्वेश्चन थे यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। और सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो है वो
एक लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट था, ना कि आपका व्रत में सिटिंग अरेंजमेंट है। तो कई प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, दो लाइन वाले भी होते हैं, एक लाइन वाले भी और व्रत वाले भी। तो आपका जो है यहाँ पर एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीएस रिलेटिव है और कन्फर्म क्वेश्चन है फ्रेंड आपका भारत के गृह मंत्री पूछा गया था, तो ये आपके राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर करंट अफेयर से तीन चार क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड, तीन से चार क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर से थे। अब ये आप देख लीजिएगा करंट अफेयर से जितनी भी घटाएं हैं आपको यहाँ पढ़कर जाइएगा, और यदि आपने फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा, ऊपर आपका जो है मैं यहाँ पर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया है और तीनों शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए फ्रेंड आपको 10 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, रात के 10 बजे मैं आपको जो है एक तीनों शिफ्ट का एनालिसिस दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी आपकी व्यूनस आरएस, ये व्यूनस आरएस है, अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड ग्राफ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ग्राफ आप जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है, ग्राफ पढ़ के जाएगा। बेन डायग्राम से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आज, बेन डायग्राम से जरूर आ रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन आपके। देखिए 35-35 क्वेश्चन उससे थे, मैथ और रीजनिंग से थे, 50 क्वेश्चन उसके थे, तो आपको 120 कुल मिलाकर क्वेश्चन आए थे। तो देखिए कम से कम आपको सिलेक्शन यदि आपने पाना है तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको जो है वो करने ही चाहिए। तो 100 क्वेश्चन तो आप निश्चित रूप से करें, कोई क्वेश्चन गलत हो आपको लग रहा हो तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा फ्रेंड आपको, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कुछ लड़कों ने बताए थे कि सर 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो गलत भी थे, तो हमने उन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छुआ कि हमें पहले ही पता था वो गलत क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा टाइम गलत क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा गया था राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से संबंधित 2 प्रश्न थे आपके, जो रेलगाड़ी से संबंधित की रेलगाड़ी जो है 2 रेलगाड़ी इस प्रकार की है, ये पुल ऐसे पार करती है, कितनी देर में पुल पार कर लेंगी और ये खंभा खड़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और रेलगाड़ी संबंधित आपके मतलब कल भी प्रश्न पूछे गए थे एसआई वाले एग्जाम में भी जो है पूछे गए थे 2 क्वेश्चन आपके, और ये कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी जो है पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको कंफर्म करके जाइएगा इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीएस से सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी प्रतिभा पाटिल जी थी ये, ठीक है, और उसके बाद आपके राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी के बाद आपके राष्ट्रपति हैं अब रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति का क्रम। नेक्स्ट आपका लखनऊ जो है शहर किस नदी के किनारे पर बसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो लखनऊ नदी शहर जो है वो बसा है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर, और लखनऊ जो है फ्रेंड्स वो राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का नाम है उत्तर प्रदेश के राम नाइक, ठीक है, राम नाइक है। और सभी यहाँ पे मैं एक बार बता दूं फ्रेंड, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, ना ही किसी राज्यपाल से रिलेटेड था, ना ही फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ना ही सेकंड शिफ्ट में आया था। तो जो लोग बताते हैं मुख्यमंत्री वगैरह उनसे सावधान रहिएगा, वो लोग आपको केवल गुमराह कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, आपको ये क्वेश्चन बताना था, तो देखिए मेजर ध्यानचंद के जो संबंधित है हॉकी खेल से संबंधित है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी थे हॉकी के, ये लोग आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला पूछा था आपसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड आपका किस ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है, तो समुद्र का देवता कहा जाता है आपको चंद्रमा का कहा जाता है, ठीक है, तो चंद्रमा का जो है आपका समुद्र का देवता कहा जाता है, ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड इस प्रकार का था रीजनिंग से रिलेटिव, जिस प्रकार वेटर का संबंध रेस्टोरेंट से है उसी प्रकार किसान का संबंध जो है वो किससे है, तो किसान का संबंध है कि वेटर जो है वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है, किसान जो है वो काय में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपसे जो है वो रिलेटिव यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं बहुत सारी हैं आपका, ये डिपेंड करता है फ्रेंड ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शंस क्या क्या थे, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं आए हैं वैसे इसके अटलांटिक महासागर के बारे में जो क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है वो तो आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो जल धारा आपकी कहलाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि भूकंप तरंगे जो है वो किससे रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है आपकी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती है, तो ठीक है।
तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है आपको, आपको मैं फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए हमने आपको सुबह इसका वीडियो दिया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको देखिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो सुबह वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये आपके कुछ सामने क्वेश्चन हैं, रक्षा मंत्री, रेबीज के टीके की खोज, ये सब क्वेश्चन हैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो आज पूछे गए थे। और फ्रेंड जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जाइएगा। जितने बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं डेली शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में, आप डेली जो है इन पेपरों को एनालिसिस कीजिएगा साथ साथ में अपने, और सभी क्वेश्चन को जो है वो पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इन क्वेश्चन में रिपीट होने की संभावना भी जो है वो बनी रहती है। और फ्रेंड जिस जिसका एग्जाम हुआ आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है, आप जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को आपको यदि पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो उन लोगों के लिए हम व्हाट्सएप पर अपना जो है पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो प्लीज़ आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर हम आपको थोड़ी देर में ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे आधे घंटे के अंदर। और ये फ्रेंड ये जो हमारा लाल बटन का दबाकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। फ्रेंड हम आपके लिए पल पल का अपडेट आपको देते रहते हैं, तो प्लीज़ आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल लाल बटन को दबाना है। और साथ साथ में आप इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके समय पर जो है तुरंत हाथ के हाथ मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।